Assalamu alaikum, my dear students and my viewers. I welcome you to my channel, Learn English with Faisal Hameed. If you have not subscribed this channel yet, please do it now, but after watching this video. Today we are going to talk about tenses, and in tenses, we are going to do past perfect tense. अगर आपको याद हो तो इससे पहले हम present tense के चार tenses, present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense कर चुके हैं। इसके साथ हमने past indefinite और past continuous को भी सीख लिया है। तो आज हम चलते हैं past perfect tense की तरफ। इन तीन sentences को अगर हम देखें, तो हमारे पास जो subject है, वो है I और उसके बाद helping verb जो use हुआ है red color में, वो है had और उसके बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ रही है। याद रखिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हमारा एक ही हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम कहते हैं हैड। और जब हैड आएगा तो याद रखिए आपकी मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल होगी, जिसको हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। लेकिन याद रखिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम नॉर्मली टाइम का जिक्र भी करेंगे और जो एक्शन होगा वो नॉर्मली जो टाइम वर्ड दिया गया होगा वो उससे पहले हुआ होगा। तो आई हैड विजिटेड माय स्कूल बिफोर दिस समर। दूसरा सेंटेंस देखें, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट का इजाफा होगा हैड और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के दरमियान। So she had not written this poem before this Eid. तीसरा अगर हम sentence देखें, तो had शुरू में आएगा, helping verb हमेशा शुरू में आता है जब आप कोई question बनाते हैं। तो had these students done their work before noon? और याद रखिए कि question mark नहीं भूलना आपने लगाने के से जब आप interrogative sentence बनाते हैं। आइए अब हम स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस अगर हम देखें तो हमारे तमाम सब्जेक्ट्स, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, सिंगुलर नाउन हो या आई, यू, दे, वी या प्लूरल नाउन हो, इन सब के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा। और याद रखिए जब भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैड होगा तो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस के अंदर आपका मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल होगा, जिसको हम हर्फे आम में थर्ड फॉर्म कहते हैं। अब आगे हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस को देखें तो हमने नॉट का इजाफा करना है हैड के बाद और बाकी तमाम चीजें जो हैं वो सेम होंगी। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड नॉट आएगा और उसके बाद मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल होगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चंस यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने क्या करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके जाना है, सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आप लेके जाएंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, आई, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन, और उसके बाद आपका मेन वर्ब आ जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। और याद रखिए क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना आपने। तो अब हम चलते हैं यूजेस की तरफ। पास्ट परफेक्ट का जो पहला इंपॉर्टेंट बेसिक यूसेज है वो ये है कि व्हेन यू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट बिफोर अ स्पेसिफिक पॉइंट। याद रखिए कि पास्ट परफेक्ट में जो स्पेसिफिक पॉइंट आएगा, जो भी आप एक्शन बोलेंगे वो एक्शन उस पॉइंट से पहले होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में अगर आप देखें, आई हैड कंप्लीटेड माय लेक्चर बिफोर 9 o'clock, आपका एक्शन जो है वो 99% जो है श्योरली कंफर्मली जो है इस टाइम 9 o'clock से पहले होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट में जो जो मेजर डिफरेंस हमें नजर आता है वो यही है कि पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल में जो हम एक्शन का टाइम ऑफ हैपनिंग दे रहे होते हैं वो एग्जैक्ट वही टाइम होता है कि उस पॉइंट पे काम हुआ। लेकिन पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं कि जो हम टाइम दे रहे होते हैं उसका मतलब ये होता है कि एक्शन जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम से
पहले हुआ होगा। तो एक्शन यहां पे भी हैपेंड ही होगा पास्ट इंडेफिनेट की तरह, लेकिन यहां पर क्या होगा कि जो आप टाइम वर्ड देंगे एक्शन उससे पहले होगा। दूसरे यूसेज की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा मजीद फोकस करने की जरूरत है आपको। व्हेन यू टॉक अबाउट टू एक्शंस व्हिच हैपेंड इन द पास्ट, क्या मतलब है जी कि दो एक्शंस हुए कहां पर, माजी में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। हमने इसी तरह की एक सिचुएशन को डिस्कस किया था जिसमें दो एक्शंस हुए थे, एक एक्शंस कंटिन्यूड था और दूसरा उस एक्शंस की कंटिन्यूटी में हैपेंड हुआ था, अकर हुआ था। लेकिन यहां पर क्या है कि हम जो दो एक्शंस की बात करेंगे, दोनों एक्शंस जो है वो हैपेंड होंगे, उनका वो अकर हो चुके होंगे। अब आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ। द एक्शन हैपेंड फर्स्ट विल बी शोन बाय पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जब आप वो एक्शन जो पहले हुआ होगा उसको हम लेके जाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और एंड द एक्शन दैट हैपेंड लेटर विल बी शोन बाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जो दूसरा एक्शन हुआ होगा, जो बाद में हुआ होगा, उसको हम लेके जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यानी कि दो एक्शंस हुए, पास्ट में हुए, दोनों अकर हुए, दोनों हैपेंड हुए, एक साथ इकट्ठे नहीं हुए, एक के बाद दूसरा एक्शन हुआ। जो एक्शन पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो आइए इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इसको डिफरेंट तरीकों से बताया जा सकता है। आप व्हेन के साथ भी यूज कर सकते हैं। व्हेन यू रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन। तो जब आप स्टेशन पे पहुंचे तो ट्रेन क्या थी, जा चुकी थी। दो एक्शन हुए, आपका पहुंचना और ट्रेन का जाना। ट्रेन पहले गई, आप बाद में पहुंचे, तो जो एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में है इसका मतलब है ये बाद में हुआ, और जो एक्शन बाद में हुआ पहले हुआ है वो आ गया पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह सेम इस बात को हम बिफोर के साथ भी यूज कर सकते हैं। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर यू रीच द स्टेशन। यानी कि जो काम बाद में हुआ होगा उससे पहले आप बिफोर लगा सकते हैं। तीसरी एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो हमने क्या किया है, वहां पर बिफोर नहीं बल्कि आफ्टर लगाया है। तो अब सेंटेंस को देखें, यू रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन। यहां पर अब क्या फर्क है कि आफ्टर के बाद जो है वो वाला एक्शन आएगा जो पहले हुआ होगा। जैसे बिफोर में अगर आप देखें, बिफोर में वो वाला एक्शन बिफोर के बाद आया था जो एक्शन बाद में हुआ था। तो अगर आप आफ्टर लगाएंगे तो आफ्टर के बाद वो वाला क्लॉज आएगी, वो वाला एक्शन आएगा जो कि एक्शन पहले हुआ था। उसके बाद हम आगे चलते हैं और वो है थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल से पहले आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट कंडीशनल देखा, हमने सेकंड कंडीशनल देखा, और आज हम थर्ड कंडीशनल को देखने जा रहे हैं। कंडीशनल्स क्या होते हैं, उनमें हमारे पास दो क्लॉजेस होती हैं। पहली क्लॉज को हम जो इफ के साथ यूज होती है उसको हम कहते हैं कंडीशन क्लॉज, और दूसरी क्लॉज ऑब्वियसली किसी भी कंजंक्शन के बगैर आती है। जो कंडीशन क्लॉज है उसमें हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट, और जो रिजल्ट क्लॉज होगी उसको हम वुड नॉट हैव और थर्ड फॉर्म के साथ लेकर आएंगे। ये होता कब है, कोई एक्शन माजी में हुआ, बार बार नहीं हुआ बल्कि सिर्फ एक बार हुआ, और आप प्रेजेंट में उसके ऊपर ये समझ लीजिए कि आप अफसोस कर रहे हैं, या वो एक्शन जो हुआ है वो अब वापस नहीं हो सकता, उसको आप दोबारा से अनडू नहीं कर सकते, तो उस एक्शन को ना ही वो अब आपकी रीच से बाहर है। मिसाल के तौर पर आपने इम्तिहान दे दिए, इम्तिहान देने के बाद आपका रिजल्ट आ गया, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अब आप इम्तिहान दोबारा नहीं दे सकते, आप उस एक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे कि अगर मैं अच्छी मेहनत कर लेता तो मैं कामयाब हो जाता। इसका मतलब यह है कि अब मेरे हाथ में ये चीज नहीं रही,
अब एग्जाम्पल देखें, इफ यू हैड नॉट ड्रॉप द कैच वी वुड नॉट हैव लॉस्ट द मैच। मैच हुआ, मैच खेले, आपने मैच में कैच ड्रॉप किया, आपके उस कैच के ड्रॉप करने की वजह से आप मैच हार गए। अब मैच के बाद पोस्ट मैच मीटिंग हो रही है और आपको आपका एक साथी जो है, प्लेयर जो है, वो कहता है कि इफ यू हैड नॉट ड्रॉप द कैच वी वुड नॉट हैव लॉस्ट द मैच। इसका मतलब है एक एक्शन माजी में हुआ और हम उसको अब रिवर्ट नहीं कर सकते, अब उसको हम अनडू नहीं कर सकते, तो इस सिचुएशन में भी हम पास्ट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। यही इसके तीन यूजेस थे, मेजर तीन यूजेस थे, तो इन्हीं पर हम इक्तफा करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।